दोस्तों, खाना के साथ सब्जी तो सभी लोग ही खाते हैं और सब्जी या फल लेने के लिए बाजार में जाते हैं। कोई घर के आसपास लेता है तो कोई सब्जी मंडी में जाकर, जहां आप हर दूसरे तीसरे दिन जाते हैं और सब्जी लेते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि आप सब्जी या फल लेते हैं उसमें आपके साथ क्या धांधली होती है? आज हम आपको सब्जी मंडी में सब्जी बेचने वालों के बारे में ऐसा सच दिखाने वाले हैं जिसको देख के आपके होश उड़ जाएंगे, वो सच जिसको देख के आपके पैरों तले जमीन सरक जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। अगर आपको भी अपनी जिंदगी से प्यार है तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। दोस्तों, हम सामान खरीदने में चाहें जितनी भी सावधानी बरत ले, लेकिन ये ठेले वाले कहीं ना कहीं अपनी चालाकी दिखा ही देते हैं। अब आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए कैसे ये सफ़ेद शर्ट वाले भैया अच्छे अच्छे फल चुन चुन कर अपने लिफाफे में डाल रहे हैं, लेकिन एक फल गलत आ जाने पर वह तुरंत निकाल देते हैं। मगर तुरंत दोस्तों, जरा ध्यान से देखिए अगले ही पल ये ठेले वाला क्या करता है। पहले से तैयार फलों के लिफाफे को अपने से ही बदल देता है। अब आप ही बताइए सही है या गलत, कमेंट करके ज़रूर बताइए। दोस्तों, आप भी सलाद में मूली खाना पसंद करते होंगे और खरीदारी करते समय आप सफेद चमकदार मूली खरीद लेते होंगे। लेकिन रुकिए एक मिनट, इस जनाब को देखिए, मिट्टी लगी मूली को कैसे रगड़ रहे हैं और गंदे नाले में डुबा डुबा कर कैसे साफ कर रहे हैं। जिस गंदे नाले को देखकर हम दूर से ही नाक को ढक लेते हैं। ये भाई साहब उसी गंदे नाले में इस मूली को साफ कर रहे हैं और बाजार में ले जाकर ठेले पे बेचेंगे। लेकिन आप ही बताइए क्या ये सही है। अब जरा ध्यान से इस वीडियो को देखिए कैसे ये महिला अच्छे अच्छे प्याज चुन चुन कर तौलने के लिए ठेले वाले को दे रही है। मगर इस ठेले वाले की चालाकी को देखिए कैसे ये दिन के उजाले में ये महिलाओं को बेवकूफ बना रहा है और पलक झपकते ही प्याज के बंडल को बदल देता है। दोस्तों, क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है, कमेंट करके ज़रूर बताइए। दोस्तों, आप भी जब मार्केट जाते हैं तो ऐसे चीज़ों पर ज़रूर नोटिस कीजिए और आप अपने विश्वसनीय दुकान से ही सामान लें। धन्यवाद दोस्तों मेरे वीडियो को देखने के लिए। दोस्तों, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और आप अभी मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए ताकि आपको ऐसे ही न्यू अपडेट मिलता रहे।